मेनुका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को राजमा के मदरा की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। राजमा के मदरा बनाने के लिए आपने 200 ग्राम बॉइल्ड राजमा लेना है, एक बड़ी कटोरी आपने दही लेना है, 3 टमाटर को आपने बारीक काटना है, आधी कटोरी आपने रिफाइन या सरसों का तेल लेना है, 2 छोटी चम्मच आपने हल्दी लेना है, 1 बड़ी चम्मच आपने जीरा धनिया का पाउडर लेना है, 1.5 चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना है, 1.5 चम्मच आपने तीखा लाल मिर्च पाउडर लेना है, 1 बड़ी चम्मच आपने साबुत जीरा लेना है, 3 बड़ी इलायची को आपने हल्का सा कूटना है, 3 तेज़पत्ता लेना है, नमक स्वाद अनुसार लेना है। ग्रेवी के लिए आपने बॉयल किया हुआ राजमा का 1 मग पानी लेना है। अब हम मदरा के लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ये देखिए, गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये सरसों का तेल डालेंगे। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे। आपने गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है। अब हम ये मसाला डालेंगे। मसाला डाल के आपने इसको आधे मिनट तक फ्राई करना है, पर ध्यान रहे आपका ये मसाला जले ना। ये देखिए, आधे मिनट हो गया है। अब हम इसमें ये कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने इस टमाटर को तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़े। ये देखिए, ये हमारा टमाटर जो है अब ये तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें ये दही डालेंगे और आपने दही डाल के गैस के फ्लेम को तेज रखना है और आपने इसको हिलाते हुए चलाना है और आपने इसको चलाते चलाते इसका ग्रेवी तैयार करना है जब तक ये तेल ना छोड़े। अगर आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये फट जाएगा। ये देखिए, दही का ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। और ये देखिए, ये हमारा जो दही है अब ये तेल छोड़ रहा है। ये देखिए, हमारा ये ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें बॉइल्ड किया हुआ राजमा डालेंगे, नमक डालेंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और आपने राजमा डालने के बाद इसको 5 मिनट और पकाना है। ये देखिए, 5 मिनट हो गया है। अब हम इसमें ये बॉइल्ड किया हुआ राजमा का पानी डालेंगे। एक मग पानी और डाल रही हूँ, टोटल इसमें मैंने 2 मग पानी डाली हूँ। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और आपने इसको 10 मिनट तक और पकाना है और आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। ये देखिए, 10 मिनट हो गया है और ये हमारा राजमा का मदरा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, राजमा की मदरा बनके तैयार हो गया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी होता है। आप इसको गरम गरम चावल के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा, आप अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।